दोस्तों क्वेश्चन अपने पास कि यदि ये लाइन इस गोले के सापेक्ष है तो ध्रुवीय रेखा का समीकरण अपन को निकालना है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को बोलता हूँ। ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालिए यदि ये लाइन इस गोले के सापेक्ष है। ठीक है, ये लाइन इस गोले के सापेक्ष है तो ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि ध्रुवीय रेखा का इक्वेशन ये होता है, इक्वेशन ये होती है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर ए स्क्वायर, और दूसरी ये होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो। ये दो इक्वेशन होती है। ठीक है, ये ध्रुवीय रेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन। ये ध्रुवीय रेखा का समीकरण है। तो सिंपल सी बात, हमें अल्फा बीटा गामा और ए और एल एम एन का मान निकालना है। ठीक है, समीकरण ये दिए है। ठीक है, इस समीकरण से अपन ये किसके सिमिलर, ये इसमें एल एम और एन का मान तो अपन को पता है, यानी इक्वेशन एक। सो इक्वेशन एक से क्या है, इसमें एल एम और एन के मान है 2, 3 और 4। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा का मान भी पता है अपन को, क्या ये यहाँ पर 1 आएगा, बीटा का मान 2 आएगा और गामा का मान 3 आएगा। ठीक है, और ए का मान और निकालें, देखो ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन, तो इसमें ये आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, सो इक्वेशन एक से और इक्वेशन 2 से अपन निकालते हैं, इक्वेशन 2 से कि आर स्क्वायर अपन को 16 है। एक मिनट, अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है ना, सो आर स्क्वायर बराबर 16 हो गया। ठीक है, इस आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस अब इन दोनों का मान इस वाली इक्वेशन में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सो पोलर इक्वेशन पहली ले रहा हूँ मैं, इसको गायब कर रहा हूँ। पोलर इक्वेशन एक अपने पास, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर ए, और दूसरी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर जीरो। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। सो इसमें एल एक्स अल्फा बीटा गामा कितना है, 1, 2, 3। तो अल्फा बीटा का मान 2 और गामा का मान 3। ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या ए आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर का मान 16 है। ठीक है, सो ए का मान आ जाएगा 4। सो ये 4 आ गया। ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड, सो यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, फॉर्मूले में ए स्क्वायर है तो यहाँ पर 16 ही आएगा। ठीक है, सो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 16 बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन होगी पोलर इक्वेशन। ठीक है, एक स्फीयर निकालेंगे तो एल एम एन का मान है अपने पास 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 2x, 3y और 4z बराबर 0। सो एक ये इक्वेशन है। ठीक है, सो यही अपना आंसर है पोलर इक्वेशन। दोबारा समझाता हूँ कि हमें पोलर इक्वेशन निकालनी है, ध्रुवीय लाइन रेखा का समीकरण, ध्रुवीय रेखा का समीकरण निकालना है यदि ये लाइन इस गोले पर क्या हो, सापेक्ष हो, इसके सापेक्ष हो। तो इसमें अल्फा बीटा गामा का मान है 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, और एल एम एन का मान है 2, 3, 4। ठीक है, और ये गोले की इक्वेशन है, यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या आर स्क्वायर होती है, उसको अपन ए भी बोल सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 16 है। सो ए का मान आ जाएगा 4। ध्रुवीय रेखा का ये समीकरण होता है, ये सीधा याद रख लेना, ये दो इक्वेशन अपन को याद रखनी है। ठीक है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर ए स्क्वायर, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा का मान रख देंगे इसमें। ठीक है, और ए स्क्वायर का मान भी रख देंगे, और नीचे वाली में एल एम एन का मान रख देंगे दोनों इक्वेशन में।
दोनों इक्वेशन में मान रख दिया, सो यही अपना आंसर है। ठीक है।